हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे द मास्टर माइंड्स क्लास। आज हम लेके आए हैं मैटर इन आर सराउंडिंग्स चैप्टर 1 क्लास 9th। तो ये जो भी मींस इसमें जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने इस वीडियोस को 2 से 3 बार सुन के ही अपने चैप्टर के बारे में पता लगा सकते हैं, एक एक चीज़ इसके बारे में समझ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए इस तरीके की वीडियोस को शेयर करके। चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर इन आर सराउंडिंग्स की। पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। स्क्रीन पे जो भी मींस इस टेक्स्ट आ रहा है उसको आप पढ़िए और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए कि जो भी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिनमें मास होता है, मास मींस वजन कह सकते हैं हम, और ऐसी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। तो जो भी मास और वॉल्यूम भी होता है जिनमें उसको मास के उसको मैटर कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं चेयर, टेबल, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, डॉग, कैट, काउ, पेंसिल, ट्री, प्लांट, बिल्डिंग, माउंटेन, रिवर। ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती हैं और इनमें मास भी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मैटर को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ये पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में। पार्टिकल्स जो हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो आपस में एक दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको आगे एक्सपेरिमेंट बताऊँगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में आएगा कि आप पहले तो ये लिखिए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मैटर की, और उसके साथ साथ इसके एग्जांपल्स भी दीजिए या फिर इसके एक्सपेरिमेंट भी बताइए कि ऐसा क्यों है, ये इसके प्रूव हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहला जो है पॉलन ग्रेन्स के साथ इसका एक्सपेरिमेंट है। तो जब पॉलन ग्रेन को वाटर में सस्पेंड किया गया, मींस छोड़ा गया, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो ये देखा गया कि पॉलन ग्रेन जो हैं वो जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं वाटर में। तो इसमें ये चीज़ पता चली कि पॉलन ग्रेन का डिफ्यूज़न जो है वो वाटर के साथ हुआ और उसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन है वो मूव करते हुए दिखाई दिए। तो इससे हमें ये पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली, कि वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। इसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो मिक्सिंग ऑफ इंक विथ वाटर है, कि जब हम इंक को वाटर से मिक्स करते हैं तब क्या होता है। जब हम एक ड्रॉप इंक की वाटर में डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर आपने ऐसा किया भी होगा काफ़ी टाइम, कि जब वाटर में हम इंक को डालते हैं तो वो जो वाटर होता है उसमें वो इंक जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, मींस उससे मिक्स हो जाती है, कोलाइड हो जाती है विद द पार्टिकल ऑफ वाटर। मींस पार्टिकल ऑफ इंक डिफ्यूज्ड विद पार्टिकल ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वो इंक के पार्टिकल्स वाटर में मिक्स होने लगते हैं और सिर्फ एक छोटी सी ड्रॉप जो होती है इंक की वो पूरे वाटर में फैल जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, मींस कि इतनी छोटी सी ड्रॉप में कितने सारे पार्टिकल्स थे इंक के जो एक मींस बीकर में भरे हुए वाटर में पूरी तरीके से मिक्स हो गए। और उसके साथ साथ ये भी हमें पता चला कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, तभी तो ये पूरे वाटर में मिक्स हो सके। इसके बाद ब्राउनियन मोशन क्या होता है, और पहले तो ये ब्राउनियन मोशन को समझिए कि ब्राउनियन मोशन क्या है। तो ब्राउनियन मोशन, ये रॉबर्ट ब्राउन जो स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे उन्होंने जब पॉलन ग्रेन का जो एक्सपेरिमेंट अभी ऊपर आपने पढ़ा ये इन्होंने किया था पहले, तब इन्होंने ये देखा कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो पॉलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में अच्छे से मींस जब मूव करते हुए उन्हें दिखाई दिए तो ये जिगजैग मूवमेंट हुई। तो इस तरीके की जो मूवमेंट थी पॉलन ग्रेन्स की उन्होंने इसको ब्राउनियन मोशन का नाम दिया। और ये जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1827 में किया था और उन्होंने इसका मोशन ब्राउनियन मोशन अपने ही नाम पे रखा, उनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था तो उन्होंने ब्राउन से इसको ब्राउनियन मोशन नाम दिया। इसके बाद सेम इसी तरीके की मूवमेंट जो भी स्मोक है
स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स इसी तरीके की मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। आपने कभी धूप में देखा होगा, तो धूप में जब पार्टिकल्स होते हैं तो वो इस तरीके की मूवमेंट को दिखाते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम परफ्यूम किसी भी कॉर्नर में रूम के लगाते हैं तो उसकी स्मेल पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? तो पहली चीज़ ये है, जो पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम होते हैं वो पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो स्मेल होती है परफ्यूम की वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है, और इसके रूम में फैल जाने की वजह से स्प्रेड हो जाती है पूरे रूम में। और ये सिर्फ डिफ्यूज़न की वजह से होता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली। और दूसरी चीज़ ये भी पता चलता है कि ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, क्योंकि सिर्फ स्मेल जो एक स्प्रे अगर हम उसका करते हैं तभी वो पूरे रूम में फैल जाता है। इसके अलावा जो दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसके बाद का एक्सपेरिमेंट है, वो शुगर और वाटर का है। मान लीजिए हमने एक बीकर लिया जिसमें वाटर भरा हुआ था, उसमें कुछ शुगर हमने मिला दी। मिलाने के बाद जब हमने उसको स्टिर किया, मीन्स घोला, तो हमने ये देखा कि वो जो शुगर थी वो वाटर में डिजॉल्व हो गई। उसके साथ साथ जब हमने वाटर लिया था तब हमने वाटर का लेवल चेक किया था, उसके बाद जब हमने उसमें शुगर मिलाई, शुगर मिलने के बाद वाटर का लेवल बिल्कुल सेम रहा, उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए, जबकि उसमें हमने शुगर को ऐड किया था लेकिन उसका जितना लेवल था वो उतना ही रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वाटर, जो पार्टिकल्स ऑफ शुगर थे वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के साथ मिक्स हो गए, और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से वो शुगर के पार्टिकल्स जो थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस थी उसमें चले गए। इस वजह से वहाँ पे उसका लेवल जो था वो चेंज नहीं हुआ। ये क्वेश्चन कई बार आता है, और इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानना चाहिए हमें, और इसको आप बार बार पढ़िए। तो ये शुगर और वाटर वाले एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि मैटर जो है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, और उसके साथ साथ जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होती है। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट को जब हम वाटर से मिलाते हैं तो क्या होता है? पहली चीज़, जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टल को वाटर में डाला, और वाटर को जो कि हमने वीकर में लिया हुआ था उसमें डालने के बाद हमने ये देखा, जब हमने उसको मिलाया तो हमें ये पता चला कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो गया, और उसका कलर जो था वो डार्क पिंक हो गया। उसके बाद उसी डार्क पिंक बीकर से हमने कुछ स्मॉल अमाउंट लिया वाटर का, और फिर उस डार्क पिंक सॉल्यूशन को फिर से वाटर के एक दूसरे बीकर में डाला जिसमें कोई भी नहीं था, तो उसमें देखा हमने वो लाइट पिंक हो गया। फिर हमने इस एक्टिविटी को दोबारा किया, फिर से हमने उसको देखा तो वो पिंक कलर और लाइट हो गया। उसके बाद फिर हमने उसको किया, तो इससे ये जो है धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी को हमने ये देखा कि जो हमने कॉपर सॉल धीरे धीरे हमने इसको करते रहे, उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो डार्क पिंक कलर था बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंक कलर में चेंज हो गया, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ये वाटर के ट्रांसपेरेंट जो व्यू होता है उसका उसमें नहीं आ पाया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का स्मॉल क्रिस्टल कितना ज़्यादा, ये इसका आप देख सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की फिगर है, ये सबसे पहले जब हमने डाला था तो ये किस कलर का था, उसके बाद अगले बीकर में, उसके बाद ये देखिए कि 6 से 7 टाइम इस एक्टिविटी को कराने के बाद भी हम पोटेशियम परमैंगनेट के कलर को नहीं निकाल पाए। इसका मतलब ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये हम इसमें देख सकते हैं कि छोटा सा पोटेशियम पार, तो इसमें प्रॉपर्टी जो ये क्वालिफाई कर रहा है वो ये प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें आप नीचे वाली फिगर में देख सकते हैं कि ये कितनी, जब हमने इसमें वाटर में ये मिलाया है तो ये देखिए धीरे 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 ऊपर को बढ़ रहा है और ये इसमें मिक्स हो रहा है। तो इसमें भी दो प्रॉपर्टीज़ इसमें दिखाई देती हैं, पहली ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग बिकॉज, और ये जो मिलना है इनका कहलाता है वो कहलाता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस ड्यू टू ब्राउनियन मोशन। जब दो सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं उनके ब्राउनियन मोशन की वजह से, इसको डिफ्यूज़न कहते हैं।
जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है उतना ही ज़्यादा ब्राउनियन मोशन इंक्रीज़ होता है, और उसके साथ साथ डिफ्यूज़न जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। मींस डिफ्यूज़न जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। डिफ्यूज़न हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही स्टेट्स में होता है। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं? तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होती है, और इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होती है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और पार्टिकल्स सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं सॉलिड्स में, और इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो ऐसी एनर्जी जो किसी चीज़ के मोशन की वजह से आती है उसके अंदर, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इनमें बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी होती है, वेरी लेस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है। सॉलिड के एग्जाम्पल हैं स्टोन, वुड, ब्रिक, आइस, शुगर, सॉल्ट एंड कोल। इसके बाद लिक्विड जो है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, इसकी शेप फिक्स नहीं होती है। ये जिस भी बीकर में डाला जाता है ये उसी बीकर की शेप ले लेता है, हमने डेफिनेटली ये चीज़ देखी हुई है लिक्विड में। उसके साथ साथ इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड से कम होता है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होता है। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और इसके एग्जांपल्स जो हैं वो मिल्क, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, ईटीसी हैं। इसके अलावा गैसेस क्या होती हैं? गैसेस की इनडेफिनेट शेप होती है, ना तो इनकी गैस की ना तो शेप ना ही वॉल्यूम, दोनों की दोनों चीज़ें डेफिनेट नहीं होती हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी लार्ज स्पेसिंग, इनके बीच में डिफरेंस इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही वीक होता है। इसके साथ साथ ये जो है बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी की गैसेस होती हैं, बहुत जल्दी ये मींस मूव कर जाती हैं। इसके साथ साथ इसका एग्जांपल जो है एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा भी अभी काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस करने को रह गए हैं, इसको मैं पार्ट टू में बनाऊंगा। ये आपका पार्ट वन है, इसको आप पूरी तरीके से देखिए। इसके बाद अभी अब मैं पार्ट टू बनाता हूँ, और इसके पार्ट टू को भी आप देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन टाइम में, आपके इंट्रोडक्शन टाइम में, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा।